जय हिंद दोस्तों। ये धरती अजीब जानवरों से भरी पड़ी है। चीते जैसे फुर्तीले और शेर जैसे ताकतवर जानवरों के बीच एक ऐसा प्राणी भी है जो एक बार में सिर्फ 30 ग्राम पत्तियां खाता है और उसे पचाने में एक महीने तक का समय लग जाता है। इसे स्लॉथ कहा जाता है। स्लॉथ दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। स्लोथ इतना आलसी प्राणी है कि ये एक मिनट में केवल 6.5 फुट ही खिसक सकता है। ये पेड़ से भी बहुत कम उतरता है और हमेशा उस पर चिपका रहता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह कुशल तैराक होता है। यह अपनी धीमी चाल के लिए प्रसिद्ध है और इसे एक बहुत आलसी जानवर समझा जाता है। स्लॉथ को खाना पचाने में इतना समय क्यों लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी पाचन शक्ति यानी मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बहुत धीमी है। घने जंगलों में लंबे पेड़ों के सबसे ऊपरी भाग में अपना बसेरा बनाने वाला ये प्राणी आमतौर पर तभी नीचे उतरता है जब उसे मल त्याग करना होता है। यह पेड़ों पर इसलिए रहता है क्योंकि इसके पंजे में लंबे और मुड़े हुए नाखून होते हैं जिनकी वजह से वह धरती की सतह पर चल नहीं पाता है। धीमी गति के कारण कहीं कोई बड़ा जानवर उसका शिकार न कर ले, इस कारण वह पेड़ों पर ही रहता है और हरी पत्तियों का भोजन करता है। लेकिन एक बार में वह 30 ग्राम से ज्यादा भोजन नहीं कर पाता है जिसे पचाने में उसे महीने तक का समय लग जाता है। ये जानवर न सिर्फ सुस्त है बल्कि इसके शरीर पर घने बाल भी होते हैं। इन्हें बालों में एक प्रकार का शैवाल पनपता है। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। शैवाल को स्लॉथ के बालों में पानी का स्रोत और शरण मिल जाती है, जबकि स्लॉथ को शैवाल से पोषण देता है और उसे छुपाने के लिए आवरण भी मुहैया कराता है। स्लॉथ के बारे में एक और हैरतअंगेज तथ्य यह है कि वह अपना 90% जीवन पेड़ों पर उल्टा लटक कर बिता देता है। ज्यादातर समय तक उल्टा लटकने के बावजूद इसके फेफड़ों पर कोई दबाव नहीं पड़ता है और इसे सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होती है। इसके लिए प्रकृति से उसे खास उपहार मिला है। दरअसल उसके शरीर के अंदरूनी अंग उसकी पसलियों से जुड़े होते हैं और उल्टा लटकने के बावजूद उसके फेफड़ों पर दबाव नहीं डालते हैं। स्लॉथ का वजन करीब 4 किलो के आसपास होता है और ये अपने सिर को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। स्लॉथ पेड़ पर लटकते हुए ही सो जाते हैं और दिन में 15 से 20 घंटे तक सोते रहते हैं और रात के वक्त टहलने के लिए निकलते हैं, पर वो बिना जरूरत पेड़ से नीचे नहीं उतरते। ज्यादातर स्लॉथ का शिकार तभी होता है जब वो मल त्याग करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, क्योंकि वो तेज गति से भाग नहीं सकते हैं और इसके दुश्मन में सांप, जगुआर, शिकारी पक्षी और अन्य जंगली बिल्लियां शामिल हैं। दुनिया के सबसे सुस्त जानवर पर इंसानों के शौक के कारण संकट पैदा हो गया है। वैसे तो स्लॉथ का जीवन काल 30 से 40 साल का होता था, लेकिन आज लगभग 40% स्लॉथ को जंगलों से लाकर शहरों में नुमाइश की चीज बनाया जा रहा है। स्लॉथ के साथ सेल्फी लेने वालों की कमी नहीं है, जिनके कारण उसका जीवन काल सिर्फ 6 महीने ही रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन स्लॉथ की प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। आपके लाइक से मुझे वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपको कोई सुझाव देना हो या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सुमित सैनी IQ को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।